फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना ओलंपियाड। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत तरीके से बन सकती है। कुछ तरीके हैं जैसे कोल से बनती है, न्यूक्लियर से बनती है, गैस से बनती है, हाइड्रल से बनती है, विंड से बनती है, सोलर से बनती है। तो फ्रेंड्स, लेकिन आज हम लोग न्यूक्लियर से कैसे बिजली बनती है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में बात करेंगे। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में न्यूक्लियर फिजन होता है, यानी कि उसमें यूरेनियम, देखिए फ्रेंड्स, यूरेनियम टू टाइप्स के होते हैं, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। इसमें यूरेनियम 235। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। और फ्रेंड्स, एक यूरेनियम के पैलेट 800 kg कोल के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेते हैं कि इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि इंडिया में। फ्रेंड्स, पहला है कुदनकुलम जो कि तमिलनाडु में है। फ्रेंड्स, दूसरा है कलापक्कम जो कि तमिलनाडु में है। फ्रेंड्स, तीसरा है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स, चौथा है नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। फ्रेंड्स, पचवा है कैगा जो कि कर्नाटका में है। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है काकरापार जो कि गुजरात में है। फिर उसके बाद आता है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि राजस्थान में है। अब हम लोग जानेंगे कि बिजली बनती कैसे है। फ्रेंड्स, ये यूरेनियम को एक ढेर सारे आयरन के रॉड्स में डाल दिया जाता है। फिर ये सारे आयरन रॉड जाते हैं यूरेनियम रिएक्टर में। फिर वहाँ पे ये लोग टकराते हैं तो बहुत सारी एनर्जी और हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ये होता है न्यूक्लियर फिजन। फ्रेंड्स, इससे जो फिर ये जाते हैं पानी की ट्यूब्स में, किस पानी के ट्यूब से ये पास होते हैं तो उस पानी को गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद इससे स्टीम निकलती है। स्टीम का जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा स्पीड से वो टर्बाइन को घुमा देता है। फ्रेंड्स, इतनी तेज घुमा देता है कि जो टर्बाइन की शाफ्ट होती है वो इलेक्ट्रिक करंट बनाना शुरू कर देती है। स्टीम की एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट बनाना शुरू कर देती है। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है आपका जनरेटर इस इलेक्ट्रिक करंट को 25,000 वोल्ट में कर देता है। फ्रेंड्स, ये जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो जाती है ट्रांसफार्मर में। फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर से हो जाती है एनर्जी, ये जो एनर्जी की वोल्टेज होती है उसको इंक्रीज करके 300,000 वोल्ट कर देता है। फ्रेंड्स, इसके बाद वो हाई वोल्टेज केबल से आपके घरों में जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को